हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेक का ज्ञान में। एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि जॉनसी ले टीवी ले वन एस के लिए ये न्यू लाइनेज ओएस निकाला है 14.1 नगेट। तो ये रोम कैसी है और इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और इसके क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस, हम सब की बात करेंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने अभी इसमें नगेट रोम इंस्टॉल की हुई है, जॉनसी लाइनेज ओएस नगेट रोम है। मैं आपको दिखा देता हूँ सारी सेटिंग्स में जाके। देखिए अबाउट फ़ोन में एंड लाइनेज ओएस अपडेट, ये देखिए लाइनेज ओएस 14.1 इंस्टॉल्ड है। अनऑफिशियल 28 मार्च 2017 को रिलीज़ हुआ था वो वाला है इसमें। एंड गाइस, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये लगी कि जब हम चार्ज करते हैं इसको, चार्जिंग के टाइम मतलब फ़ोन इतना गर्म हो जाता है, एक तो बहुत स्लो चार्जिंग है, इसमें फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन है ही नहीं और फास्ट चार्जिंग भी नहीं हो रही। एंड जहाँ तक बात करूँ इसकी मैं हीटिंग प्रॉब्लम की, तो हीटिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है इसमें नगेट रोम में, ये जॉनसी रोम है लाइनेज की। तो मतलब ये चार्ज भी बहुत स्लो होता है और गर्म भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब जितना पहले नहीं होता उससे भी ज़्यादा काफ़ी गर्म हो रहा है। एंड सेकेंड जब मैं बात करूँ इसकी, आपको बताता हूँ मैं सारी प्रॉब्लम्स डिटेल वाइज बताता जाऊँगा, जैसे जैसे मेरे को जो जो नज़र आएगी मैं आपको बताता जाऊँगा। ये देखिए, ये अभी एंड्रॉयड 7 पे ऑपरेट कर रहा है नगेट पे, तो आपको मैं दिखाता हूँ और इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो आप जैसे गाइस देख सकते हैं, इसका जो सा ये मेन्यू है, डिटेल्ड मेन्यू, ये अच्छा मेन्यू इन्होंने बनाया है, काफ़ी अच्छा है। नगेट में ये इनबिल्ट ही गूगल वालों ने निकाला था नगेट में, काफ़ी अच्छा लगता है ये, मतलब कि स्टाइल काफ़ी अच्छा है इसका। एंड सेकेंड प्रॉब्लम दोस्तों इसकी ये है कि जौन सा ये ब्राउज़र इन्होंने इनबिल्ट ब्राउज़र दिया है, वो हमेशा अपने आप को स्टॉप कर देता है, स्टॉप स्टक हो जाता है वो, तो बार बार लिखाता है क्लोज दी ऐप, क्लोज दी ऐप। कभी कभी फ्रंट कैमरा चलना बंद हो जाता है और कभी कभी फ्लैश अलर्ट्स, फ्लैश अलर्ट यानी कि ये वाला सॉफ्टवेयर, ये वाला जौन सा फ्लैश हमारे आती है जब रिंग बजती है, फ्लैश चलती है, तो ये वाला सॉफ्टवेयर कई बार चलना बंद हो जाता है और कैमरा की, फ्रंट कैमरे की प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है। एंड दोस्तों जौन सा इसमें क्रोम है, ये भी काफ़ी हद तक जौन सा है हैंग हो रहा है, मतलब काफ़ी, एक तो मोबाइल बहुत स्लो हो चुका हुआ है, ये ले टीवी का हमारा जौन सा फ़ोन है काफ़ी स्लो हो गया है, तो ये अपने आप चलते चलते बंद हो जाता है क्रोम, ये भी इसका इशू है। एंड आपको मैं दिखाता हूँ और, लेट मी गो टू द यूसी ब्राउज़र, सॉरी दोस्तों वो मैंने अनइंस्टॉल कर दिया बिकॉज इसमें यूसी ब्राउज़र नहीं चल पा रहा, पता नहीं किस कारण से, बट जब हम यूसी ब्राउज़र खोलते हैं तो वो अपने आप स्टॉप हो जाता है। तो इसमें मतलब कि अभी जो सी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व की प्रॉब्लम्स है, कि इसमें जो सी चीज़ें हैं वो अभी जैसे अपने आप बंद हो रही हैं, स्टक हो रही हैं, नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा सब पे। तो ये बग्स हैं इसमें अभी जौन से, कि विस्निया पीएल जौन से इनके डेवलपर्स हैं, उन्होंने अभी तक इसको ठीक नहीं किया है प्रॉपरली। एंड दोस्तों इसकी अभी YouTube में भी बहुत प्रॉब्लम है, YouTube की जो सी हम 60 FPS की फ्रेम रेट पे वीडियोस नहीं चला पा रहे हैं, मतलब काफ़ी हैंग हो रहा है। एंड माइक्रोफोन जब मैं वॉइस सर्च करता हूँ ओके गूगल कह के, तो वो ओके गूगल कह के जो सी हम सर्च मारते हैं गूगल असिस्टेंट से, वो कभी कभी बंद हो जाती है, तो वो वहाँ पर लिखा था कि माइक्रोफोन इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। एंड दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी बैटरी लाइफ एंड ऑल कैसे बताऊंगा। दोस्तों इसकी बैटरी लाइफ महा बेकार है, इट इज़ द वर्स्ट बैटरी लाइफ दैट आई हैव एवर सीन। मैंने 76% पे चार्ज किया हुआ है और अभी मैं चलाते हुए सिर्फ 2 मिनट प्रॉपर नहीं हुए, उसकी बैटरी लाइफ 73 पे आ गई है, जबकि मैंने कुछ भी यूज़ नहीं करा, सिर्फ 4G ऑन है। जबकि जो से मेरी पुरानी रोम थी, जो इसकी ऑफिशियल EUI वर्जन था 19S, वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। अगर मैं उसको, मतलब उसकी बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट 4 आवर्स था और इसका बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट 1 to 2 आवर्स है। एंड फ़ोन की बहुत ज़्यादा हीटिंग प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा हीट होता है, तो मतलब इसमें बेनिफिट्स या रोम में कोई भी नहीं है, ना इसमें वोल्ट मिलना है। और हाँ, आप सबसे पहले बात बता दूँ कि अगर आप इसमें रूट सेस चाहते हैं तो रूट सेस इन्होंने ऑफ़ किया हुआ है, पहले सबसे पहले आपको अबाउट फोन में जाके बिल्ड नंबर पर बार बार दबाना पड़ेगा,
तो यहाँ पे आपको आएगा ऑलरेडी इनेबल्ड, अब तो मेरा आ चुका है, तो आपकी ये वाली ऑप्शन खुल जाएगी डेवलपर्स ऑप्शन, ये वाली डेवलपर्स ऑप्शन, तो इसको खोल के आप नीचे नीचे जाके यहाँ पे आएगा ये रहा रूट एसेस, तो आपको रूट एसेस पर क्लिक करके एप्स एंड एडीपी दोनों पर क्लिक कर देना है, एंड यहाँ से आपका रूट जॉन से परमिशन ऑन हो जाएगी। एंड दोस्तों इस पे एक्सपोज इंस्टॉलर भी नहीं हम चला सकते, जो सी एक्सपोज की इंस्टॉलर है उसके कोई भी मॉड्यूल्स उस पर काम नहीं करेंगे, बिकॉज ये भी कह रहा है कि एक्सपोज जो सा है वो इसके लिए सूटेबल नहीं है, तो इस पे एक्सपोज भी काम नहीं कर रहा, और फ्रीडम ऐप जिससे कि हम सारी पेड चीज़ें फ्री कर देते हैं वो भी ऐप इस पर भी काम नहीं कर रही है, मतलब इस रोम में भी बहुत सारे बग है जो हम सॉल्व करते हैं, एंड ये रोम काफ़ी स्लो है, जैसे आप देख पा रहे हैं मैं जब नीचे करता हूँ, ये देखिए लैक ऑफ टाइमिंग, मतलब ये काफ़ी हैंग हो रही है ये रोम, और मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट रोम को मैं नहीं कह सकता, मुझे इससे अच्छी रोम आरआर होगी जो सी भी रिसरक्शन रिमिक्स जो सी उसकी रोम है वो काफ़ी अच्छी जो सी अपडेटेड आई है नगेट के साथ, तो मैं तो होप्स उसी में ट्रांसफॉर्म कर लूँगा थोड़े दिनों में। एंड सो गाइस अब आपको पता लग गया कि इसमें रोम में क्या फ़र्क है कि जॉन्सी हमारे ई ओ आई वर्जन से, एंड इसके क्या बेनिफिट्स हैं एंड क्या प्रॉब्लम्स हैं। एक आपको मैं बता देता हूँ कि जॉन्सी ये रोम है, इस रोम में आपको दिखाता हूँ, इस रोम में सबसे पहली बात तो फिंगरप्रिंट जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, मतलब हम जितने मर्जी फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हैं जैसे कि हम अपने ई ओ आई वर्जन में करते थे। एंड इसमें एक और चीज़ उन्होंने निकाली है जिसको हम कहते हैं वेग लॉक। वेग लॉक ये होता है कि जैसे हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर के थ्रू अपना फ़ोन को ऑन कर सकते हैं, लाइक अगर मैं अपने सेंसर के ऊपर अपने फ़ोन के ऊपर अपना हाथ वेव करूं, जैसे कि फ़ोन ऐसे हाथ हिलाऊं, ऐसे करके हाथ हिलाऊं ऐसे, तो फिर वो क्या होता है फ़ोन हमारा जो है वो अपने ऑन हो जाएगा, और अपना फिंगरप्रिंट लगवा के तो आप हम अपना कहते हैं फ़ोन को ऑन कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है जब आप कार में ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो कार ड्राइविंग करते करते कभी 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 हमने सॉन्ग्स कनेक्ट किए होते हैं ब्लूटूथ से, कार को कनेक्ट किया होता है तो गाना हमारी मर्ज़ी का नहीं लग पाता, तो नेक्स्ट करने के लिए हम कई बार फ़ोन को खोलना पड़ता है, लॉक बटन दबाना पड़ता है, तब तक मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो हम सिंपली अपना हाथ वेव कर सकते हैं और फोन ऑन रहेगा, हम अपना गाना चेंज करके फ़ोन दोबारा से अपने ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। उसमें ये फीचर्स निकाला है इन्होंने, और इनमें मल्टी टास्किंग फीचर भी निकाला है जो सा कि मतलब अच्छा फीचर है काफ़ी। एंड बाकी तो ये मैं यही कहूँगा कि ऑल इन वन, मैं आपको एक ही बात बताऊँगा कि अगर मैं मेरे को ये मार्क्स देने हो इस रोम को 10 में से, तो 10 में से इस रोम को मैं सिर्फ 5 मार्क्स दूंगा, बिकॉज इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है, इसकी बैटरी लाइफ अच्छी नहीं है, हीटिंग प्रॉब्लम है, ऐप्स हैंग हो रही हैं, और इसकी काफ़ी मतलब कि अभी यूसेज काफ़ी कम है इस रोम की, एंड मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अभी इस रोम में, बग फ्री नहीं है रोम अभी, बग के साथ पूरी भरी हुई है, तो मैं अभी यही कहूँगा कि अभी आप वेट कीजिए, बिकॉज ऑफिशियल अपडेट आ रही है लेडी की तरफ से अप्रैल में, तो वो आप अपनी जो सी है अपडेट के साथ अपना फ़ोन चलाएं, और कहते अपनी जो सी ऑफिशियल अपडेट है वो मैं ऑफिशियल लिंक्स भी अभी मतलब कि जल्दी आने वाले टाइम में डाल दूंगा, फ्लैशेबल लिंक्स डाल दूंगा 19S एंड 17S के लिए फ्लैशेबल रोम, स्ट्रोक रोम वो भी विदाउट सुपर SU, विदाउट वोल्टी इनेबल्ड, सब कुछ विदाउट, सिर्फ स्ट्रोक रोम डालूंगा, तो फ्लैश करके अब आप अपना जो सा है नेट जो सा है अपने जो OTA अपडेट्स पा सकते हैं। सो गाइज आप देख सकते हैं कि ये रोम मुझे नहीं अच्छी लगी है, तो मैं तो थोड़े दिनों में इसको अनइंस्टॉल कर दूंगा, तो गाइज आपको अब पता लग चुका है कि इस रोम में क्या नुकसान है और क्या इसके फ़ायदे हैं। सो ऐसे ही गाइज मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा, मैं सारे एंड्रॉइड्स की बारीकी में जाकर जाँच पड़ताल करके आपको सब कुछ बताता रहूँगा, एंड अगली वीडियो में प्लीज़ देखिएगा, अगली वीडियो में बताऊँगा कि जियो की जौन सी हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर ऑफर आई थी, अब इसके बाद में आपको अब हमारा अगला स्टेप क्या है, आपको क्या करना होगा कि आपका नेट एंड कॉलिंग दोबारा से ऑन रहे। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाय दोस्तों।